सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि दोस्तों Redmi 9 Prime में हमें एक और नया अपडेट देखने को मिल चुका है। बट ये अपडेट जो है ये इंडिया में नहीं मिला है, ये ग्लोबली हमें देखने को मिला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 9 Prime के नए अपडेट के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे MIUI 12.5.3 के अपडेट के बारे में, जो हमें देखने को हाल फिलहाल देखने को मिला है Redmi 9 Prime के अंदर। और ये जो अपडेट है ना, ये इनहेंस्ड एडिशन अपडेट है जिससे मोबाइल की स्मूथनेस और डबल हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे इस अपडेट के अंदर, जानेंगे कि ये अपडेट इंडिया में आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को वेट करिए। सो माय नेम इज शौर्य महाजन, योर वॉचमैन चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं Redmi 9 Prime के MIUI 12.5.3.0 के इनहेंस्ड अपडेट के बारे में। तो देखो, यहां पर ये है मेरा Redmi 9 Prime डिवाइस, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा Redmi 9 Prime। और यहां पर इसमें 2 महीने पहले हमें लास्ट अपडेट देखने को मिला था MIUI 12.5 का Android 11 के साथ। और ये जो अपडेट लगा जो आया था Redmi 9 Prime के अंदर, वो काफ़ी बुरा था, मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया। काफ़ी इशू मैं फेस कर रहा हूँ आज भी इस अपडेट के साथ। अब यहाँ पर इन सभी इशू को फिक्स करने के लिए जो Xiaomi है वो लेकर आ रहा है MIUI 12.5.3.0 का इनहेंस्ड एडिशन अपडेट, और वो Xiaomi ने ग्लोबली रिलीज कर दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। हमने जैसे ये जो अपडेट है ये ग्लोबली रिलीज हुआ, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल गया, और यहां पर आपने उसको अच्छा सपोर्ट भी दिखाया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप क्या कर रहे हो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको सारे स्मार्टफोन रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलते रहते हैं, तो बहुत मजा आएगा, आप ज्वाइन कर लेना। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इस अपडेट के सबसे पहले फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट फीचर इस अपडेट का यह है कि इस अपडेट से आपकी मोबाइल की परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होने वाली है, डबल ट्रिपल होने वाली है, और बहुत ही तगड़ा चलेगा आपका मोबाइल। ये जो अपडेट है ये सुपर लाइट अपडेट है, तो इससे जो यहां पर हैंगिंग इशू है, बैटरी ड्रेनेज इशू है, वो आपको कम देखने को मिलेगा, और बहुत ही स्मूथ चलने वाला है, बहुत ही अच्छी एनिमेशन देखने को मिलने वाली है इस अपडेट के साथ। अब हम बात करते हैं इस अपडेट के और फीचर के बारे में। तो इस अपडेट के अंदर आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपनी 4GB की रैम को 5 से 6GB तक एक्सटेंड कर सकते हो, और ये यहां पर काफी इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है। इस फीचर के अंदर आप बेसिकली अपनी मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज को लेकर उसको कन्वर्ट करोगे एक वर्चुअल रैम के अंदर, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है, और इसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो इसको आने देते हैं, उसके बाद हम ज़रूर इस फीचर पे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इस अपडेट के और फीचर्स के बारे में। तो इस अपडेट के अंदर ना आपको अक्टूबर 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है, तो जो मोबाइल है वो अप टू डेट रहेगा। अब यहाँ पर इस जो अपडेट का स्क्रीनशॉट है वो हमने अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर भी किया था, और यहाँ पर अभी तक नहीं देखा है तो भाई देख लिया करो, कम्युनिटी पोस्ट में हम आपको अपडेट करते रहते हैं, तो वो भी एक बार नज़र दौड़ा लिया करो। अब यहाँ पर ये जो अपडेट है ये है 610 MB का, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है बट हाँ काफ़ी तगड़ा है। अब यहाँ पर इस अपडेट के अंदर जो मोबाइल के सिस्टम ऐप्स हैं उनको तो अपडेट करा ही जाएगा, बट 12.5 का इनहेंस्ड एडिशन जो अपना मेन है ना वो देखने को मिलता है। ये जो अपडेट है ये ग्लोबली रिलीज हो चुका है, और इंडिया के अंदर ये जो अपडेट है ये अब आपको कब देखने को मिलेगा वो बताऊं तो ये जो अपडेट है ना ये आपको नवंबर के एंड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक Redmi की जो Note 10 सीरीज है, जिसमें Redmi Note 10, Note 10 Pro Max और Redmi Note 10 S आते हैं, उनको 12.5 इनहेंस्ड एडिशन नहीं मिला है, और यहां पर उनको सबसे पहले देखने को मिलेगा, और उसके बाद 9 Prime सीरीज को देखने को मिलेगा और 9 सीरीज को देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज होगी, और यहां पर ये जो अपडेट है ये नवंबर के एंड में या दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर ग्लोबली रिलीज होता है तो उसके 1 से 2 महीने बाद वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलता है, और यहां पर ये जो अपडेट है ये दिसंबर के मिड या नवंबर के एंड में पक्का देखने को मिलेगा। तो यही थे आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको Redmi 9 Prime के MIUI 12.5.3.0 के इनहेंस एडिशन रिलेटेड सारी इन्फो प्रोवाइड करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो अपना पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो दिखाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, जय हिंद जय भारत।